तो हेलो गाइस, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जितने भी लोग हमारे फैमिली मेंबर्स हैं टेक्निकल फाइल्स के, वो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। जबकि मैं जानता हूँ इसमें से कई लोग यूट्यूबर हैं और कई लोग ब्लॉगर हैं, मतलब कई लोग रिमिक्सर, मतलब कई तरह के लोग यहाँ हमारे चैनल के मेंबर बन चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊँगा कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कैसे प्रोफेशनल थंबनेल बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देर किए। दोस्तों यहाँ पर हम अभी ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, मैं एक थंबनेल बनाता हूँ जो कि इसको भी करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये थंबनेल देखिए, आपको बहुत ही आकर्षित लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो कैसे गाइस, कैसे इसको अच्छे से बना सकते हैं, तो मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से बताऊँगा कैसे इस तरह का थंबनेल बना पाएंगे। सबसे पहले मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेना है, और इस एप्लीकेशन को अगर आप नहीं जानते तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, पिक्सल लैब। इस ऐप को जाके डाउनलोड करिए, नहीं तो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल या मिलेगा। तो आइए इसको ओपन करके हम कुछ जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, इतना तो आप लोग जाने रहे होंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर हम गैलरी पर चले जाते हैं। गैलरी के ऑप्शन पे जाने पर हमको यहाँ पर पहले कौन सा फोटो सेलेक्ट करें, पहले ये, क्योंकि ये पहले है, उसके बाद एडिट किया होता है, ठीक है। तो इसको पहले ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ से जो आपको दिखे इससे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताऊँगा, जैसे थोड़ा आदमी का दिमाग होता है, जैसे आप समझ लीजिए थंबनेल बनाना सीख गए, तो आप हमसे भी अच्छा बना सकते हैं और हमसे भी खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग पर निर्भर है, आपकी कला पर, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इसको भी इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सेट करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा, इसको थोड़ा बढ़ा के पीला या फिर ग्रीन कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर ये चीज़ हमारा हो गया। अब इसका बड़ा वाला जो हम एडिट किए हैं उसको हम लाते हैं फ्रॉम गैलरी से, ठीक है। एडिट किया हो कि ये रहा, अब इसको हम थोड़ा फिर से पतला कर देते हैं, यूँ कर देते हैं। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अब इसको थोड़ा बड़ा ही रखेंगे कि ये लगे कि हाँ इसी का बनाया हुआ में अच्छा लगे। तो गाइस यहाँ पे इसको हो गया, फिर से वही बॉर्डर वाला स्टोर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको रेड कर सकते हो या फिर ग्रीन, तो आई एम सॉरी मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ग्रीन वाला ऑप्शन हो चुका है ऐड। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ स्टाइलिश फोटोग्राफी, नहीं यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। और गाइज यहाँ पर मैं फॉन्ट अपने वीडियो के, इस वीडियो के लिंक में, वीडियो पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जितना मर्जी उतना फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ इस तरह का फॉन्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको डाउनलोड करें क्योंकि ये बहुत काम आएगा आप सबके। और इसको थोड़ा स्टोर कर दें, क्योंकि शशि डीजे शशि झारखंड भाई यही यूज करते हैं, ठीक है, यही फॉन्ट अक्सर वो यूज करते हैं। उनका थंबनेल कवर आर्ट देखो तो ये फॉन्ट ज़्यादा उनके में यूज मिलता रहेगा। अब यहाँ पर गाइस हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे जाएंगे और थोड़ा यहाँ पर चले जाएंगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये चीज़। तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये लगे कि इसी का प्रतिभाग है, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं इसको हम थोड़ा रेड कर देंगे, ठीक है, रेड ऐसे हो गया ना। अब इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर। अब यहाँ पर लिखेंगे अमन फोटोग्राफी, या अपने फोटोग्राफी का नाम या हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी इंग्लिश में लिखता हूँ आपको बताने के लिए, ताकि आपको जल्दी हो, थोड़ा समझ में भी अच्छी तरह से आए, ठीक है गाइस। अभी आप फॉन्ट पे चले जाते हैं, फिर से वही फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए हमारा ख़त्म हो चुका है ये स्टेप, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेंशन कीजिए, और एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और एक वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।